अरे मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। अबे भूत बैठा हुआ तो? अबे गज्जू तूने ये खटारा गाड़ी 1 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी भाई? भाई इस गाड़ी का ना 15 बार एक्सीडेंट हो चुका है तो, और हर बार बीवी मरती है। भाई क्या हो गया, इतना उदास क्यों है तू? यार मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया। वो कैसे? भाई कल ना हम लोग जंगल गए थे, वहाँ पे एक सांप लटक रहा था। अच्छा फिर? भाई वो सांप को हाथ में पकड़ कर बोला कि खाली लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेंट पिलाए। और प्रेम कैसा है? साले तू तो ना सिंगल ही मरेगा, देख मेरी तो गर्लफ्रेंड बन गई। और हम लोग ना वैलेंटाइन डे के दिन घूमने जा रहे हैं। अच्छा हाँ। और घर पे क्या बोलेगा? बोल दूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास है। सही है यार, एंजॉय करो चलो। हेलो अंकल, आपका लड़का ना 14 फेब को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है और एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करेगा, घर से मत निकलने देना उसको। यार भाई तेरे हिसाब से बाहर के देश के लोगों में और हमारे देश के लोगों में क्या फर्क है? भाई बाहर के देश के लोग सोचते हैं कि अगर वो ये कर सकता है तो भाई उसको मैं भी कर सकता हूँ, और अगर उसने नहीं करा तो मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए। और भाई हमारे देश के लोग, भाई हमारे देश के लोग सोचते हैं कि अगर वो ये कर सकता है तो भाई उसे ही करने दो, और अगर उसने नहीं करा तो मैं क्या करूंगा करके। गाने सुनने का मन हो रहा है यार, एयरफोन कहाँ रख दी? भाई सुन ना, एयरफोन लिया प्लीज। लाता हूँ, कहाँ पे रखे हैं? वहीं कहीं होंगे देख। ठीक है, कहाँ रखे हैं? मिल तो रहे नहीं। मुझे पता था तुझे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैंने पहले ही अपने साइड में रख लिए थे। तुम्हारे माता पिता राजी हो गए शादी को? शादी नहीं करेंगे। चलो आज रात को भाग चलते हैं। चलो ठीक है। और जितना तुम्हारी माँ का गहना है ना सब लेते आना। नीच कमीने, हम तो श्रुति की मम्मी बोल रही हूँ। अबे भाई हमारे इंडिया और बाहर के देश के लोगों में क्या फर्क है? भाई बाहर के देश के लोग टीचर से कहते हैं कि आप हमारे बच्चे की बस केयर करना और उसको प्यार से रखना, रिजल्ट डजंट मैटर फॉर अस। और इंडिया के लोग, भाई हमारे देश के लोग, आप इसे मारिए, पीटीएससी खाल उतार दीजिए, हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, बस मार्क्स अच्छा आने चाहिए। आएगा नहीं, हम घसीट के लाएंगे। हाय भैया। हाय बेटा। ये कौन है? तेरी भाभी। तो भैया कल वो कौन थी? कौन? 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 एए, कौन? एए, बता के जाओ, एए, कौन? भाई साइंटिस्ट के हिसाब से दुनिया गोल है, इस मामले में तेरा क्या कहना है? भाई मेरे हिसाब से भी दुनिया गोल है। भाई कैसे? भाई देख, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, आदमी औरत से डरता है, और औरत चूहे से डरती है, तो हुई ना दुनिया गोल। 300 रुपए का भाई, तो 500 का दे दो यार। हाँ ले लो भाई, भाई ले लो। ये तो अंधा है, क्यों ना मैं इसको 500 का जाली नोट दे दूँ। ये लो भाई। यार भाई मैंने अपनी बेटी के लिए सालगिरह का सूट लेना है यार। जी जी ये ले ये ले ये ले, ये देखें क्या हुआ, नजर नहीं आता भाई आपको? नहीं भाई। ओहो इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये ले भाई। भाई कितने पैसे? 1500 रुपए दे दो यार। 1500 रुपए ये बिल बैक है यार। ये 500 वाला नोट तो जाली है। दिखाओ। कहाँ जाली यार, असली नोट है, क्या हो गया? ये देखो बिल्कुल असली है। ठीक है यार आप जाओ। यार तू पागल है, उससे जाली नोट लेके तूने मुझे असली दे दी है। यार उसके नाबीना फन का किसी ने नाजायज फायदा उठाया था, और मैं नहीं चाहता उस नाबीना को ये लगे हम आंखों वालों के पास दिल नहीं है। भाई जोर से चली हवा और उड़ गया कुत्ता। बाबा बाबा। जोर से चली हवा और उड़ गया कुत्ता। बाबा बाबा। भाई फिर रुक गई हवा और गिर गया कुत्ता। अरे भाई तू क्या सोच रहा है यार? मुझे एक बात नहीं समझ में आई। भाई क्या? भाई टीचर मुर्गा मुझे बनाती है और एग्जाम में अंडे खुद देती है। तूने तो कह दिया उसे बेवफा और बाजारू, मगर उसे बेटी होने का फर्ज भी निभाना था। माना साथ चलने की कसम खाई थी उसने, माना साथ चलने की कसम खाई थी उसने, मगर चलना भी तो माँ बाप ने। भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया, तू बता। बढ़िया बढ़िया यार, तेरी बाइक चाहिए थी। भाई पेट्रोल है? नहीं यार पेट्रोल नहीं है। अरे यार टायर में हवा है?
वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है यार टायर में। तो भाई इसकी चाबी? चाबी भी नहीं है यार। अबे यार भाई माचिस है? हाँ माचिस है, माचिस देता हूँ। तो भाई एक काम कर, आग लगा ले इसको। यार कल तो तेरे भाई की शादी थी। हाँ यार, लेकिन वो भी जहाँ जाता है वहीं बेइज्जती कराता है। भाई ऐसा क्या हो गया? भाई कल फेरों के टाइम पंडित जी से पूछता कि भाभी लेफ्ट में बैठेंगे या राइट में। तो पंडित जी ने क्या कहा? भाई वो कह रहे कि अभी तो कहीं पे बिठा ले, बाद में सर पे ही बैठेगी। सहरी हो जाए? हाँ भैया हो जाए। सहरी? हाँ भैया। कि इश्क जबरदस्ती का नहीं अपने आप का है, इश्क जबरदस्ती का नहीं अपने आप का है, और तुम्हारे लिए तो चांद तारे तोड़ लाऊं, क्योंकि ब्रह्मांड तो भैया के बाप का है। अबे यार हमेशा घटिया शॉपिंग करती है, हमेशा वाहियात चीजें ही पसंद आती है तुझे। ओ हेलो, आपको भी मैंने ही पसंद किया है। तुम याद रखना कहीं भूल ना। बेस्ट फ्रेंड के लिए एक शायरी हो जाए। बेस्ट फ्रेंड के लिए? कि तुझे लगता है कि तू अच्छा लगता है, तुझे लगता है कि तू अच्छा लगता है, और तेरी शक्ल के बारे में क्या ही कहूँ, साला फटा हुआ अच्छा लगता है। चलना प्रेम, मैकडोनल्ड चलते हैं। पहले मैकडोनल्ड की स्पेलिंग बता। अच्छा ठीक है, KFC चलते हैं। KFC की फुल फॉर्म बता। तू रहने दे कुत्ते, तो समोसे ही खिला दे। भाई कल तेरा बर्थडे है ना, तेरे बर्थडे के लिए मैंने इतनी सुंदर ड्रेस ली है ना कि तुझे मजा आ जाएगा। अरे मेरा भाई, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। मेरे भाई दिखा तो सही, कल ही पहन के आऊंगा सीधा। अच्छा तुझे मैथ्स आती है? हाँ आती है। तो 1 से लेकर 5 तक की गिनती सुना। 1, 2, 3, 5। 4 कहाँ गया? वो तो मर गया। वो कैसे? आज सुबह ही मैंने न्यूज में देखा, कार एक्सीडेंट में 4 की मौत। किसी चीज के बारे में बोल रहा था मैं। अबे गुजू तेरी एक्स आ रही है। अरे अरे कैसे हो? बस दुआ है आपकी। उस हिसाब से तो अभी तक आपको मर जाना चाहिए था। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कितना पढ़े हो? आपके जितना? मेरी जितना मतलब? मैं भी इतनी इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी पे आ जाता हूँ। क्या खा रही है? समोसा। अकेले अकेले? चटनी के साथ। भाई जब अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो उसका दांत का कलर क्या होता है? सफेद? नहीं, पीला। नहीं भाई, फिर तू बता। अबे छोटे बच्चे के दांत ही कहाँ होते हैं? भाई एक ससुर जी ने अपनी बहू को कहा कि बेटा इलायची तुम्हारी सासू माँ का नाम है, और हमारे घर में बड़ों का नाम नहीं लेते। भाई फिर? भाई बहू ने कहा ठीक है ससुर जी, आगे से गलती नहीं होगी। भाई फिर क्या हुआ? भाई अगले दिन बहू कहती ससुर जी सासू माँ खत्म हो गई है, आते हुए लेते आना। जोर का झटका। और चाहिए मुझे, मैं बाजार जाऊं। बहुत सर्दी आ गई है, नई जैकेट तुम्हें लाना, तुम आओ बहुत सर्दी। साले मारा क्यों? तेरे मम्मी कसम है, मेरे को मारा तो कसम। मारना 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 भाई, मारना मेरे को। अच्छा मारना रे, मारना मम्मी की कसम दे डाली। हाँ मारना 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 मेरे को। मिठाई खाइए मिठाई। किस खुशी में बेटा? सर मेरे पापा ने मिठाई की दुकान खोली है। अरे वाह, कहाँ है तेरे पापा? जेल में है? जेल में का क्या मतलब हुआ? अरे सर किसी और की मिठाई की दुकान खोलेंगे, वो भी रात को, तो जेल में ही होएंगे ना। हट खानदानी चोर। ये बात तो सच है ना, जिंदगी जब नचाती है ना तो डीजे बजाने वाले अपने ही होते हैं। डीजे 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 मेरा। अबे ये रहा, काट दे इसको। नो 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 नो।
मैं शादी कार्ड की बात कर रहे हैं। हर दोस्त को हर राज बताया मत करो, सुना है दोस्तों के भी दोस्त हुआ करते हैं। बात समझ में आई? जिनकी नजरों में हम अच्छे नहीं हैं, वो अपना नेत्र दान कर सकते हैं। हेलो हेलो यार, जो मैं कर सकता हूँ वो आप कर सकते हो? हाँ? ये करके दिखाए, ये लो। हाय राम, सुंदर लड़का देखा नहीं, प्रपोज मारना स्टार्ट कर दी चिमकांडी। घर में बता के आती मम्मी ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, यहाँ पे लड़के छेड़ती है। लोगों ने हमें सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि लोगों का काम था और हमारा नाम था। नो 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 नो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जान से भी ज्यादा। अच्छा, तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकते हो? तो करवा चौथ तेरे बाप टकले को देख के बनेंगे, ठीक है? ये क्या हुआ कि हमारा दिल हमारा नहीं लगता, एक आपके चेहरे से सुंदर कोई नजारा नहीं लगता। ये क्या हुआ कि हमारा दिल हमारा नहीं लगता, एक आपके चेहरे से सुंदर कोई नजारा नहीं लगता। और उस चांद को बहुत गुरूर था खुद पर, हमने आपकी तस्वीर दिखा दी, अब वो खुद को ही प्यारा नहीं। अरे गिराना चाहते हो तो गिरा लो, लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल है मुझे गिराना, क्योंकि मैंने ठोकरों से चलना सीखा है। ससुर जी, आपकी बेटी ने मुझे तंग कर रखा है। क्या करूं बेटा, तू अपनी अपनी सोच रहा है, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। बेटा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी। पापा इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिली? मुझे नहीं मालूम कि डर किसको कहते हैं, मैं मौत मौत के बगैर झुक रहा हूँ। रिलेट करना कि मुझे नहीं मालूम कि डर किसको कहते हैं, मैं मौत मौत के बगैर झुक रहा हूँ। और हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपनी माँ के पैर झुक रहा हूँ। बेटा जाओ, मेहमानों से खाने के बारे में पूछ के आओ। आप लोग खाना खा कर आए हैं या जाकर खाएंगे? बहन जी, 10 रुपए दे दो, गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाना है। देखो और सीखो कितना प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड से। नहीं भाई, गर्लफ्रेंड ने ही भिखारी बनाया है। कोर्ट की तरफ से आदेश है, आपको अपनी आधी सैलरी अपनी बीवी को देनी पड़ेगी। खुश क्यों हो रहे हो तुम इतना? अरे आधी तो बचेगी। भाई भाई, मुझे 10 करोड़ मिले। कहाँ है, कहाँ है? वो मैंने कंडक्टर, एक अहमदाबाद का टिकट देना। अरे जल्दी कर, चल मुझे ऑफिस भी जाना, लेट कर दिया है, चल। यार इतनी जल्दी जल्दी मत किया करो, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा पति मिला मेरे को। अरे भाई क्या हो गया? भाई मेरी बीवी मर गई यार। चल भाई कोई बात नहीं, होता रहता है। मेरे साथ ही क्या होता है? अबे ये बता, उसने मरने से पहले तुझे कुछ बोला? हाँ भाई, वो तो जोर जोर से बोल रही थी। क्या बोल रही थी? गला छोड़ दे कमीने, जोर का झटका। बीवी नाराज हो गई थी, अमीर होता तो डायमंड की रिंग देके मना लेता, पर क्या करूं, गरीब हूं, 2000 थप्पड़ मार कर ही समझाना पड़ा। तुमने तो शादी से पहले मेरे पापा को बोला था कि तुम पायलट हो, पर तुम तो प्लेन उड़ाते ही नहीं। हाँ तो उन्होंने ढंग से सुना कहा था, मैं तो अपने बाप का पैसा उड़ाता था। बात बताओ,
शादी से पहले तो तुम बड़ा मेरे को पलकों पे बिठाने की बातें करते थे, अब क्या हो गया? बे तब तू पतली थी, अब तू इतनी मोटी हो गई है, पलकों पे बिठाऊंगा आंखें बाहर नहीं आ जाएगी। भगवान से डर। साला तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? हाथ पर तोड़ के ना तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? घर में कहां चुपके बैठा है? हिम्मत है तो एक बार फोन उठा। यार अब तू तेरे मायके चले जा। क्यों, क्या हुआ? यार डॉक्टर ने मुझे वार्निंग दे दी है कि घर में कोई भी टेंशन वाली चीज नहीं होना चाहिए। लालची, आज के बाद हमने लगा तो फोन मत करिए। हेलो हेलो, फोन पे कहने किस बोलत रहे? चल रख तेरा माई के, हम अपन माई को ही, अब हमारी नौकरी लग गई। तुझे किसी और के साथ देखने से पहले खुदा करे सांस रुक जाए, मेरी नहीं तेरी, काले करतूते तू करे और मरूं मैं। भूख लगी है? चांद, हर रोज 6 बजे निकल आता है, आज 8 बज गया। आलू का पराठा बना दूं आज आपको? नहीं रहने दो, मैं इंसान ही ठीक हूँ, बड़ी आई जादू करनी। अरे जल्दी कर लो, 2-4 जगह और जाने हैं। आई लव यू। मुझे तो कोरोना वायरस है। दीदी एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा? प्राण हेलो सर, मैं थानेदार रिजू बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि सर उसने पोछा लगा रखा था और वो उस पर चढ़ गया। तुमने उसे पकड़ा या नहीं? सर बोलो। सर अभी पोछा नहीं सूखा। मैं मोबाइल के चार्जिंग वाले छेद में डाल देता हूँ, फिर देखो कितनी स्पीड में चार्ज होता है। अब स्विच ऑन करता हूँ, हो गया चार्ज। मेरा मोबाइल क्या कर दिया ये? क्या कर दिया? मेरी सांसों में तू है हर दम। अरे जल्दी कर लो, 2-4 जगह और जाने हैं। आप अपने पति को नाम से बुलाती हैं? अब चूतिया हम उन्हें बुला नहीं सकते, और एजी ओजी टाइप हम खुद भी नहीं हैं। आलू ले लो भैया, आलू ले लो, 100 रुपए किलो आलू ले लो आलू। अरे भैया ये तो जलेबी है, आप आलू आलू क्यों चिल्ला रहे हो? अबे पागल हो क्या? धीरे बोलो, जलेबी सुन के मक्खी आ जाएगी। हमारा दिल वाली गल तेनू दस के की होगा, तेनू केड़ा प्यार है जो दिल तेरा रोगा। जो लेखा च लिखा के आई हां, जो लेखा च लिखा के आई हां, मैनू दर्द ओ सहन दे, मैनू दर्द ओ सहन दे, तू हसदा रिया कर, मैनू हंजुआ च रहन दे, तू हसदा रिया कर, मैनू हंजुआ च रहन दे।